हेलो, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डायरेक्टेड एरे अप्रोच की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कुछ प्रॉब्लम्स की मदद से सीखने वाले हैं कि डायरेक्टेड एरे अप्रोच को कहाँ, कब, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डायरेक्टेड एरे अप्रोच को पढ़ने से पहले हम लर्निंग फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टेड एरे अप्रोच क्या होती है वो देखेंगे द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। फिर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। देन फिर हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखेंगे और उसका कोड लिखेंगे। तो डायरेक्टेड एरे अप्रोच होती क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्टेड एरे अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्शन एरे बनाते हैं, जिसकी मदद से हम एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ब्लॉक का के नेबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से मैं यहाँ पे 1-1 में खड़ा हूँ, 1-1 इंडेक्स में खड़ा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके सारे नेबर्स, जो भी इसके नेबर्स हैं, उन सबको एक्सेस करना, उन सबकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना, तो मैं कैसे करूँगा। तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टेड एरे अप्रोच। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें दो डायरेक्शन एरे बनानी होती है। सबसे पहली डायरेक्शन एरे फॉर एक्स एंड सेकंड डायरेक्शन एरे फॉर वाई। अब ये सीख लेते हैं कि डायरेक्शन एरे बनानी कैसे है। तो डायरेक्शन एरे में फॉर एक्स में अगर आप देखो, तो मैंने ये रखा है कि हम जिस पर्टिकुलर करंट लोकेशन में, उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हम उसके नेबर्स को एक्सेस कर पाएँ। सो लेट्स से अगर मैं 1-1 में हूँ, तो मैं 1-1 में ऐसा क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ मैं 0-0 में को एक्सेस कर पाऊँ। सो मैंने क्या किया कि डी एक्स में -1 रखा और उसी सेम इंडेक्स में डी वाई में भी -1 रखा। तो -1 with 1 एंड -1 with 1 क्या हो जाएगा 0-0। सो हमारे जो करंट रो और कॉलम आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0-0। तो हम यहाँ पे 0-0 में आ जाएंगे। फिर वैसे ही हमें अगर 0-1 को एक्सेस करना है, तो हम -1 और 0 को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली अगर मैं 1-1 में हूँ, तो हम रो को तो माइनस कर रहे हैं, ऊपर वालों को एक्सेस करने के लिए, इन तीनों को एक्सेस करने के लिए हम रो को -1 कर रहे हैं। इसलिए हम डी एक्स में -1 रखी हमने वैल्यूज़। और जो कॉलम है उसको सबसे पहले -1 कर रहे हैं, एक कम कर रहे हैं करंट कॉलम को, और फिर हम उस करंट कॉलम को एज इट इज़ रख रहे हैं, और फिर एक उस करंट कॉलम से हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं। फिर लेट से अगर हम चाहते हैं कि इन तीनों को एक्सेस करना, तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें तीनों में कॉलम को, रो को बढ़ाना पड़ेगा 1 से। तो हमने क्या किया, डी एक्स में 1+ कर दिया। और सेम थिंग हमें यहाँ पे कॉलम को एक बार माइनस करना है, एक बार एज इट इज रखना है, और एक बार प्लस करना है। तो हमने यहाँ पे -1, 0 and 1 कर दिया। अब ये जो दो डायरेक्शंस हैं, ये दो डायरेक्शन इनकी हैं, 0-1 की और 1-2 की। तो इसमें हमने सबसे पहले रो तो एज इट इज़ है, तभी हमने 0-0 कर दिया एक्स में, और वाई में हम एक बार -1 करेंगे क्योंकि हमें कॉलम को कम करना है, और एक बार +1 करेंगे क्योंकि हमें कॉलम को बढ़ाना है। तो ऐसे करके हम 8 डायरेक्शंस में जो 1-1 के नेबर्स हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्टेड एरे अप्रोच होती क्या है, और हमने डायग्राम भी देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहली थिंग मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि हमें नेबर्स को एक्सेस करना है, या फिर एडजेसेंट जो ब्लॉक्स हैं उन्हें एक्सेस करना है। तो ये दोनों चीज़ अगर हो हैं, तो तब हमें यहाँ पे उसका ट्रैक करना है सेंटर। इन द सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स से अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसका जो सेंटर है डेट इज़ 1, 1। तो इस 1, 1 को ही अगर हम ट्रैक करेंगे, तो हम सारी की सारी मैट्रिक्स उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो तभी हमें खाली ट्रैक करना है सेंटर को। सो लेट अस टॉक अबाउट द एग्जांपल प्रॉब्लम। तो एग्जांपल प्रॉब्लम है मैक्सिमम सम ऑफ एन आर ग्लास। सो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें गिवन है एक m इंटू n की इंटीजर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का नाम ग्रिड कहा है इसने। तो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें i फॉर्म हो रहा है, ABCDEFG। तो ये i फॉर्म हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि जितने भी एक मैट्रिक्स में i फॉर्म हो रहे हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है, उसमें जिस किसी का भी सम मैक्सिमम है, उसको हमें रिटर्न कराना है। मतलब कि A+B+C+D+E+F+G, अगर ये मैक्सिमम सम दे रहे हैं, तो हमें इस i के सम रिटर्न कराना है। तो लेट से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इस वाले एग्जांपल में हमारे पास 4x4 की मैट्रिक्स है। अब 4x4 की मैट्रिक्स है, तो हमारे पास 3x3 की 4 मैट्रिक्स बन सकती है, 6, 2, 1, 2, 9, 2, 8। ये तो एक i बन गया। तो इस i का सम हम निकाल लेंगे, और इस i का सम हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। फिर सेकंड जो i बनेगा वो बनेगा 2, 1, 3, फिर 1, फिर 2, फिर 8 और फिर 7। तो इस i का भी सम हम किसी में स्टोर करा देंगे। फिर ऐसे ही हमारे पास एक i बनेगा 4, 2, 1, 2, 4, 1, 2। तो ये भी हमारे पास एक i बनेगा, और ऐसे ही एक और i बनेगा। तो इन चारों i में से जिस i का सम मैक्सिमम होगा, उसको हमें रिटर्न कराना है। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम अपना डायरेक्टेड एरे
अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो आइडेंटिफिकेशन था वो ये था कि मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स तो इसमें गिवन है। और दूसरा जो थिंग थी वो थिंग थी कि हमें क्या इसमें ऐसा कहा गया है कि हमें जो नेबर्स हैं उनको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल वही करना है, नेबर्स को ही एक्सेस करना है। अगर हम यहाँ पे लेट्स से डी में अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे ए बी सी एफ ई और जी का और डी का सम निकालना है। तो बेसिकली हमें नेबर्स को एक्सेस करना है, पर हमें एट की एट डायरेक्शन में नहीं करना है, हमें इसमें खाली सिक्स डायरेक्शन में करना है, और एक जिसमें हम खड़े हैं उसको भी हमें कंसिडर करना है। तो डायरेक्टेड एरिया अप्रोच इसमें बिल्कुल लगेगी। तो अब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें रो देख लेते हैं कितनी है रो। तो लेट्स से हम रो को का जो काउंट है वो एन में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे ग्रिड डॉट साइज। तो ये रो को दिखा रहा है, नंबर ऑफ रोज। फिर हमने लेट्स से कहा कि एम में हम नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखेंगे। ओ ये हो गया कॉलम। देन हमें एक आंसर चाहिए जिसमें हम स्टोर कराएंगे मैक्सिमम सम। तो लेट्स टेक अ वेरिएबल जिसका नाम है मैक्स सम, क्योंकि इनिशियली एक छोटी वैल्यू होगा, सो इंट मेन रख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रैक करना है सेंटर को। तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो हम फॉर लूप लगा लेते हैं। ये जो फॉर लूप होगा, ये जो आई होगा, अब हमें एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है कि जो हमारा पहला सेंटर होगा वो हमेशा वन वन होगा, ठीक है। जो पहला सेंटर होगा वो हमेशा वन होगा, तो जो लूप होगा वो हमेशा स्टार्ट वन से ही होगा और टिल एन माइनस वन तक चलेगा और आई प्लस प्लस। अब ये एन माइनस वन तक क्यों चलेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें हर बार थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स चाहिए। अगर थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स नहीं है तो आई फॉर्म होगा ही नहीं, और आई फॉर्म नहीं होगा तो हम सम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम चेक कर लेंगे कि ये एन माइनस वन तक है या नहीं है। इसके बाद हम जे लूप को भी ऐसे ही चलाएंगे, इसमें हम कहेंगे जे इक्वल टू वन टू जे इज लेस देन एम माइनस वन जे प्लस प्लस। हमारा आई हो गया, जे हो गया, ये बेसिकली ट्रैकिंग है फॉर सेंटर। अब हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है जिसमें हम टेम्परेरी सम स्टोर कराएंगे। तो हमने कहा कि लेट्स से इंटीजर सम इक्वल टू ज़ीरो, और फिर हमने सम इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। अब हमें यहाँ पे डायरेक्टेड एरे की ज़रूरत है, तो हम डायरेक्टेड एरे बना लेते हैं। तो लेट्स से इंट डी एक्स और इंट डी वाई। डी एक्स में हम डायरेक्शन डालेंगे एक्स की, और डी वाई में हम वाई एक्सेस की डायरेक्शन डालेंगे। तो सबसे पहले हम लेट्स से टू टू में अगर हम यहाँ पे हैं, इस टू में हमें, तो हमें सबसे पहले लेट्स से हम एक्सेस करेंगे सिक्स को। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले रो को नेगेटिव करना है, मतलब रो को माइनस करना है। तो तीन बार हमें रो को माइनस करना है, तो हम लेट्स से थ्री माइनस वन लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, थ्री माइनस वन। और फिर हमें जो कॉलम है सबसे पहले वाली बारी में कॉलम को भी माइनस वन करना है। पर जब हम इस टू को अगर एक्सेस करना चाहते हैं इस टू से, तो हमें उस टाइम पे कॉलम को नहीं बदलना क्योंकि वो सेम कॉलम है, तो हम यहाँ पे प्लस जीरो करेंगे। अब हम इस वन पे एक्सेस करना चाहते हैं इस टू से, तो हमें कॉलम में ऐड करना पड़ेगा एक वन, तो मैं यहाँ पे वन लिख लेता हूँ। तो ये तो हमारा हो गए ऊपर के तीन, ये तीन सिक्स टू और वन पे एक्सेस हो गए। अब लेट्स से हम नीचे के तीन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें नीचे के तीन में रो में वन ऐड करना पड़ेगा तीन बार, और फिर वही सेम कि सबसे पहले कॉलम माइनस होगा, फिर उसके बाद कॉलम एज इट इज़ रहेगा, और फिर कॉलम प्लस वन होगा। अब इसमें एक और कंडीशन थी कि हमें जिस पोजीशन में हम हैं उस पोजीशन को भी कंसीडर करना है, तो हमें यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो भी लिखना पड़ेगा, तो जीरो और ज़ीरो। तो ये हमारी डायरेक्टेड एरे बन गई है दोनों की। तो इसका जो साइज़ है दैट इज़ सेवन, और इसका साइज़ भी सेवन है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें एक एक करके एक्सेस करना है। तो एक्सेस हम किससे करेंगे, हमें एक आइटरेटर चाहिए, तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगा लेते हैं, क्योंकि लेस देन सेवन तक चलेगा एंड ए प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले रो को कंप्यूट करेंगे, तो हम कहेंगे इंटीजर रो इक्वल टू करेंट आई प्लस, क्योंकि हम ऐसा क्या ऐड करें कि हम उसके नेबर्स को एक्सेस कर पाएं, तो हम ऐड करेंगे डी एक्स ए, और सेम फॉर कॉलम, कॉलम इक्वल टू जे प्लस डी वाई और के। तो ये हमारे पास एक एक करके पहले सिक्स आएगा, फिर टू आएगा, फिर वन आएगा, फिर उसके बाद नाइन, फिर उसके बाद टू आएगा, फिर एट आएगा, फिर यहाँ पे टू आएगा। तो ये हमारा जो पहला आई है इस मैट्रिक्स में फोर इंटू फोर की, तो वो ऐसे करके आ जाएगा। और हम उस आई को हर आइट्रेशन में क्या करेंगे, सम में ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे ग्रिड रो और कॉलम,
तो हर आई सम में ऐड होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि हम वो आई का वैल्यू सम रिटर्न कराना चाहते हैं जो मैक्सिमम है, तो हमें यहाँ पे कंपेयर फंक्शन लगाना पड़ेगा जिसमें हम लिखेंगे कि अगर मैक्स, जिसमें मैक्स सम जो है हमारा, जो हमने इंटीजर बनाया था ऊपर, उस इंटीजर में अगर उस इंटीजर में स्टोर कराएंगे वैल्यू, तो हम लिखेंगे कि अगर ये मैक्सिमम है, मैक्स सम और सम के साथ कंपेयर होगा, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा मैक्सिमम में। और लास्ट हमें यहाँ पे रिटर्न कराना है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कराना चाहते हैं रिटर्न मैक्स सम। तो हमने यहाँ पे ये मैक्स सम ऐसा है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देखा इस क्वेश्चन में कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये डायरेक्टेड एरे अप्रोच का क्वेश्चन है। फिर हमने देखा कि हमने कैसे इंप्लीमेंट किया डायरेक्टेड एरे अप्रोच, बनानी कैसे है वो भी हमने सीख लिया कि डायरेक्टेड एरे बनानी कैसे है। फिर हमने उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सीख लिया। अब लेट्स रन दिस कोड, सो इट इज़ एक्सेप्टेड, सबमिटेड, सो इट इज़ एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस अप्रोच से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक दूसरे की हेल्प भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेट्स कोड टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर।